आप बताइए किस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो चुनावी समीकरण आपने पहले देखे और आज जो रुझान बता रहे, क्या ऐसी उम्मीदें थी कि ऐसा खेल होगा वहां? देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो आज का जो अभी नतीजे जो आएंगे, अभी क्योंकि रुझान सामने आ रहे हैं, तो ये साफ दर्शा रहा है कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जो है वो मैंडेट मिला है और वो मिलजुल के सरकार बनाएंगे। बीजेपी काफी होपफुल थी क्योंकि बीजेपी ये चाहती थी कि वो इस बार पहली बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, एक हिंदू सीएम, जो बीजेपी का एक नारा रहा है। आप देखिए, बीजेपी शुरुआत से बीजेपी का एक एजेंडा ये था कि धारा 370 को हटाया जाए, जो जम्मू कश्मीर में एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान का जो बीजेपी का जो पहले जनसंघ का नारा था, फिर वो बीजेपी जब जनसंघ से बीजेपी बनी वो नारा रहा, वो तो उन्होंने कर लिया। जो जम्मू कश्मीर में दो झंडे थे वो हटा दिया, वहां पर तिरंगा है, संविधान अब पूरे देश का जम्मू कश्मीर में लग रहा है, 370 को हटा दिया। लेकिन बीजेपी का एक अनफिनिश्ड एजेंडा ये भी रहा है कि कैसे जम्मू कश्मीर में एक हिंदू सीएम दिया जाए। इस बार बीजेपी ने बहुत कोशिश की, आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टीपल रैलीज की जम्मू कश्मीर में, हर एक तीनों फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी वहां पर कई रैलीज करते हुए नजर आए। अमिताभ जी, आप ये जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, जिस तरह का अभी ट्रेंड आ रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये साफ जाहिर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज की है और बीजेपी की ये एक रणनीति थी कि कश्मीर में छोटी पार्टीज भी आगे आएं और कोई एक पार्टी जो हो उसको बहुमत ना मिले, लेकिन वो स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं हुई है क्योंकि छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनको 8 से 10 सीट, अगर ये आंकड़े ठीक हैं तो सिर्फ 8 से 10 सीटें मिली हैं। इंडिपेंडेंट जो है जमात इस्लामी के भी हों या ऑलमोस्ट सेपरेटिस्ट जो थे, सर्जन बगाती वगैरह, उनको वो भी हार रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन को 2 सीटें हैं अपनी पार्टी के, अल्ताफ बुखारी के अभी 1-2 साठी सीट्स मिल रही हैं, और जो इंजीनियर रशीद जिनके तिहार से छोड़ने पे इतनी ज़्यादा पब्लिक और मीडिया में स्पेकुलेशन हुई, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है नॉर्थ कश्मीर पे, जहां उनकी एक बेस थी, लगता नहीं है कि उनके कोई कैंडिडेट जीत रहे हैं। तो अमिताभ जी, इससे हम ये देखें कि जो सेपरेटिज्म आइडियोलॉजी थी कश्मीर में, उसकी हार हुई है क्योंकि इंजीनियर रशीद को भी एक सेपरेटिज्म का आइकन माना जाता था, जमात के जो लोग थे वो शुरू से ही पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे चलते थे, तो क्या कश्मीर के लोगों ने, देखिए, मेनस्ट्रीम नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताया है, बीजेपी की बेशक हार है क्योंकि बीजेपी का ये उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली वो खाता खोल पाएंगे, लेकिन क्या लगता है कि कश्मीर के लोगों ने इस इलेक्शन में सेपरेटिज्म वाली आइडियोलॉजी को टोटली नकार दिया है? ये बिल्कुल साफ है कि जो अब जम्मू कश्मीर चाहती है कि ये एक जो घड़ी है या अब क्लॉक है वो वापस ले ली जाए, आगे ली जाए, और जहाँ तक काडर बेस्ड पार्टीज दो थी कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस काडर बेस्ड है और आप जानते हैं तेजिंदर जी, 1947 से उनका एक काडर रह चुका है, और जम्मू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काडर है, वो पूरा कंसोलिडेटेड है, तो जम्मू में बहुमत जो है वो बीजेपी को मिली है और एनसी को कश्मीर घाटी में। सेपरेटिज्म का इसमें मेरे ख्याल से कोई फैक्टर नहीं रहा, और सेपरेटिज्म की डिफीट हुई है क्योंकि जमात इस्लामी जो सेपरेटिज्म की बात की कर रहा था, और इंजीनियर रशीद जो कई उसके बयान थे कि भाई पाकिस्तान को बुलाना पड़ेगा, आइकन माना जाता था वो सेपरेटिज्म का, किसने उसको क्यों रिलीज किया वो तो अलग बात है, लेकिन साफ बात है कि इलेक्शन में भी अभी भी कल उन्होंने बयान दिया कि सरकार ही नहीं बननी चाहिए जब तक कि 370 को फिर बहाल ना किया जाए। प्रोफेसर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मेरे सीनियर सहयोगी हैं मुकेश राजपूत जी, ये भी मेरे साथ हैं, इससे पहले कि एक सवाल पूछे मैं आपसे सिर्फ एक और सवाल पूछना चाहूंगा, कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिली है और जम्मू में अगर ये जो ट्रेंड आ रहा है यही रिजल्ट में बदलता है, बीजेपी को बहुमत मिली है, जो सरकार बनेगी वो कहीं ना कहीं फिर आपको लगता है कश्मीर सेंट्रिक रहेगी और जम्मू जो एक ग्रज था जम्मू का कि हम इग्नोर हो रहे हैं, बीजेपी अगर पावर से बाहर रहती है तो जम्मू को फिर इग्नोर किया जाएगा? सबसे बड़ा चैलेंज इस सरकार के लिए ये नहीं है कि कांग्रेस और एनसी सरकार बनाए, कि उनको अगर बहुमत मिलेगा तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको बुलाएंगे और वो सरकार बनाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जम्मू के लोगों को कैसे साथ चलाएं और सेंटर
को भी गुड ह्यूमर में किस तरह रखा जाए। देखिए इस वक्त आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि वीकेस्ट असेंबली है एक यूनियन टेरिटरी की जम्मू कश्मीर में, इससे कम वीक असेंबली कभी नहीं रही है, और सेंटर में सबसे स्ट्रांग गवर्नमेंट है इंदिरा गांधी के बाद। किस तरह आप इस वीक गवर्नमेंट को स्ट्रांग सेंटर के साथ मिलजुल के जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए चलाएं, ये उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सबसे बड़ा भारी चैलेंज है। और यही अगर ये चैलेंज पे कामयाब होंगे तो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल सचमुच सुनहरा होगा। अभी आप इतने सालों से जम्मू कश्मीर को लेकर काम करते रहे हैं, तो ये जो स्क्रीन पर इस वक्त 52 का आंकड़ा, 25 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, डिफरेंस जो दिख रहा है तकरीबन आधे का, क्या कश्मीर का और जम्मू का भविष्य आप देखते हो? एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर है, आपको लगता है पूर्ण जो राज्य का दर्जा वो मिल जाएगा उसको? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को एक राज्य का फिर स्टेटस देना चाहिए, और मेरा मानना भी ये है कि आज के दिन में जम्मू कश्मीर को स्पेशल से ज़्यादा इक्वल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जिस तरह वेस्ट बंगाल हो, अपोजिशन में भी स्टेट रहे हों, उड़ीसा हो नवीन पटनायक के या स्टालिन के अंडर जो तमिलनाडु है, वैसा दर्जा दीजिए ताकि अपोजिशन का एक दर्जा हो, एक स्टेट हो, इक्वल स्टेट हो जिसमें उसकी आवाज़ सुनी जाए, जिसकी बात सुनी जाए। और जम्मू कश्मीर को अब स्पेशल की बात करनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ ये मांग होनी चाहिए कि हमें वही दर्जा दिया जाए जो बाकी राज्यों को दिया जाता है भारत जी, में जी, वापस आपके साथ जुड़ेंगे। ओवर टू